everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel and I hope you all are doing great and आप बहुत सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे. So today video is regarding all about how I manage my times, my job, my YouTube channel. So a lot of people were asked me that मैं कैसे अपने time को manage करती हूँ and अपने YouTube channel को, अपने studies को and अपने job को, इन सारी चीज़ों को मैं कैसे manage करके रखती हूँ. तो इन दिस वीडियो मैं आप लोगों को बहुत सारे टिप्स बताने वाली हूँ जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा मेरी इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए. तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लविंग मी गाइस. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्ट. तो फॉर दोज हु आर न्यू हेयर गाइज, लेट मी टेल यू दैट आई एम अ नर्सिंग ऑफिसर एंड राइट नाउ आई एम डूइंग एज अ वर्क ऑफ नर्सिंग ट्यूटर. नर्सिंग ट्यूटर का मतलब है जैसे जो लोग बी एस सी नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं, एन एम कोर्स कर रहे हैं, जी एन एम कोर्स कर रहे हैं, उनको टीच करना. सो राइट नाउ आई एम अ नर्सिंग ट्यूटर. सो एज अ पार्ट टाइम आई एम ऑल्सो यूट्यूबर एंड दिज ऑल ऑफ वर्क लाइक एडिटिंग माई चैनल, क्राफ्टिंग वगैरह एंड मेकिंग वीडियोज, ब्लॉग्स फॉर ऑल ऑफ यू. इट्स वेरी टफ फॉर मी दैट हाउ आई मैनेज माई सेल्फ एज अ यूट्यूब ऑल्सो एंड गाइज आई हैव ऑल्सो टू इंस्टाग्राम पेजेस इन वेयर आई हैव डूइंग लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज लाइक मेकिंग क्राफ्ट्स एंड बॉटल आर्ट्स. आई वुड लाइक टू डू दिस ऑल एक्टिविटीज बिकॉज आई हैव सो मच इंटरेस्ट. लेकिन गाइज इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी आई एम नॉट परफेक्ट बिकॉज इन दिस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ये सब लोगों को पता होता है. बट आई वुड लाइक टू बिलीव अ हेल्दी प्रोडक्टिविटी लाइफ. हेल्दी प्रोडक्टिविटी लाइफ का मतलब होता है आपके लाइफ में जहाँ ओवर बर्डन और ओवर स्ट्रेस वगैरह नहीं है, तो उसको हम लोग एक हेल्दी प्रोडक्टिविटी लाइफ के अंदर रखते हैं. एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट देयर आर सम टिप्स विच हेल्दी प्रोडक्टिविटी लाइफ को मैनेज करने के लिए, जो कि मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ अपने लाइफ में इन सारे टिप्स को. आई वुड लाइक टू शेयर माई टिप्स इन दिस वीडियोज. तो टिप नंबर वन इज ट्रैक योर टाइम. ट्रैक योर टाइम का मतलब होता है आप अपने समय को कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, आपने अपने समय को कहाँ पे मैनेज कर रहे हैं. एवरीबडी हैज़ डूइंग लॉट्स ऑफ एक्टिविटी, लॉट्स ऑफ वर्किंग इन देयर स्पेसिफिक टाइम, बट दे आर बींग अवेयर दैट दिस वर्क्स आर बींग मीनिंगफुल फॉर हिज और हर और नॉट. जो भी कि आप जो भी अपने समय को यूज़ कर रहे हैं वो आपके लिए मतलब यूज़फुल है कि नहीं है. सो बेसिकली यू हैव टू ट्रैक योर टाइम एंड आप अपने ट्रैक योर टाइम को इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे कि एक नोट्स वगैरह प्रिपेयर करना, कहाँ आप अपने समय को अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, जो समय को आप यूज़ कर रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिट है या नहीं है. दिस ऑल आर कम्स अंडर दिस ट्रैक योर टाइम. एंड टिप नंबर टू इज़ दैट प्लान योर डे. प्लान योर डे इट मीन्स गाइज कि आप अपने समय को कैसे प्लान कर रहे हैं. एंड इफ आप मुझे जान रहे हैं, मेरे प्रीवियस वीडियोस और ब्लॉग्स को देख रहे हैं, तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं अपने टाइम को कैसे प्लान करती हूँ. सो यू हैव टू प्लान योर डे एट अ नाइट. आप एक नोटबुक पे अपने पूरे डे की एक्टिविटीज़ को राइट डाउन करो कि आप कल क्या करने वाले हो, अपने स्पेसिफिक टाइम को कहाँ कहाँ यूज़ करने वाले हो. ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहे. एंड गाइज आई कांट इम्फेसाइज दैट दिस प्लान ऑफ टाइम इज चेंज माई लाइफ सो मच एंड प्रायोरिटाइज माई सेल्फ एज फर्स्टली. सो अगर आप अपने प्लान को सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो यू माइट बी नो दैट प्रायोरिटाइज योर सेल्फ इज फर्स्ट अ मेजर थिंग योर लाइफ. आप अपने आप को कितना ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, ये प्लान योर डे के बेसिस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो यू हैव टू डू दिस गाइज. नंबर थ्री, बी काइंड योर सेल्फ. बी काइंड योर सेल्फ, दिस टिप्स आर कंटिन्यूटी टू टिप टू, बिकॉज अगर आप अपने टाइम को प्लान कर रहे हो तो आपको पता रहेगा कि आप अपने कैसे अपने आप से कितना ज़्यादा काइंड हो. अगर आपने टेक केयर ऑफ सेल्फ इज ऑल्सो बींग अ पार्ट ऑफ बी काइंड योर सेल्फ, सो आप अपने आप के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते रहते हो, अपने आप को कहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो एज अ हेल्दी हेल्दी और प्रोडक्टिविटी डेज के वगैरह में, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काइंडफुल है. एंड अपने आप को कितना ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, ये सारी चीज़ें. और
रदर देन इसके अलावा आप कहीं कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें कितने ज़्यादा इंटरेस्ट अपने लिए फील कर रहे हो, अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो एंड यू डोंट हैव टू फील सो मच इंटरेस्टफुल और सो मच इंटरेस्टेड टू डूइंग दिस और दैट एक्टिविटी, तो यू कांट डू दिस ना, बिकॉज उसको करने से भी आपको बहुत ज़्यादा मतलब हेल्दी फील नहीं होगा और बहुत आप मतलब आप एक एफर्ट डाल के उस काम को करने में अनेबल रहोगे, तो वो सारी चीज़ें नहीं करनी है. डू नॉट डू एनी थिंग ऑफ एक्स्ट्रा विद फोर्सफुली, ठीक है. अगर आप कोई काम करते हो विदाउट फोर्सफुली दैट विल बी काइंड टू योर सेल्फ. ओके गाइज, टिप नंबर 4, लर्न टू से नो. एवरीबॉडी हैज टू ट्राई टू लर्न से नो. अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें आपको मन नहीं लग रहा है, जैसे कि टिप नंबर 3 में मैंने आपको बताया कि कोई भी काम कर रहे हो और आप विदाउट एक्स्ट्रा मतलब अपना एफर्ट नहीं डाल पा रहे हो बिकॉज यू डोंट हैव इंटरेस्ट टू डू दिस एक्टिविटी, टू यू कांट डू दिस ना, एंड अगर आपके अंदर से मन नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी, तो उस काम को करने में आपको मतलब कोई भी अप्रिशिएशन, कोई भी हैप्पीनेस वगैरह ये सारी चीज़ें, काइंडनेस वगैरह फील नहीं होगी. तो यू हैव टू से नो. नंबर 5, फील दोज ब्लैंक स्पेस. इसका मतलब होता है कि आप अपने जो भी टीनी मिनी टाइम्स वगैरह होते हैं उसमें क्या एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि आई वुड लाइक टू डू सम मेकिंग वीडियोस व्लॉग्स फॉर माय रदर देन पार्ट ऑफ टाइम, जैसे कि आप अपने आप को कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव कर रहे हो और उस टीनी मिनी टाइम्स में आप क्या क्या चीज़ें कर रहे हो. जैसे कि अगर मुझे मन नहीं हो रहा है अपने एक्स्ट्रा टाइम को कहीं भी पुट ऑन करने का और बहुत सारी ब्लैंक्स वगैरह टाइमिंग रहती है, चलो जैसे कि मैं जॉब से आती हूँ तो मेरी मतलब 6 से 7 के बीच की जो टीनी मिनी टाइम्स होती है जहाँ पे मैं वर्क करके आने के बाद मुझे ना तो स्टडी करने की मन होती है और ना ही अपने लिए कुक करने का मन होता है, तो उस टीनी मिनी टाइम्स में मैं वीडियोस वगैरह एडिट कर लेती हूँ, कुछ वीडियोस बना लेती हूँ, कुछ व्लॉग्स बना लेती हूँ, तो दैट विल हेल्प फॉर माई क्रिएटिविटी ऑल्सो. सो ये हो गया टीनी मिनी टाइम्स. गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टिप नंबर 6, ऐड फन फैक्टर टू योर टास्क. इसका मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक रुचि होनी चाहिए, एक फन फैक्टर होना चाहिए जिसको करने में आपको इंटरेस्ट हो, आपकी डिज़ायर्स आपकी कैपेबिलिटी उससे इंक्रीज हो. जैसे कि जब भी मैं कुछ भी वर्क करती हूँ, जैसे कि एक्स्ट्रा ऑफिस वर्क लाइक लेसन प्लान बनाना, मास्टर रजिस्टर वगैरह, ये सारी चीज़ें मेरी एज अ पार्ट टाइम जो भी मेरी जॉब की वर्क है, तो मैं उसमें क्या करती हूँ, अपने आप को थोड़ा इंटरेस्ट फील कराने के लिए आई यूज़ माई हेडफोन्स एंड स्टार्ट द म्यूज़िक टू मोर एंड बी इंक्रीज मोर प्रोडक्टिविटी इन माई लाइफ. सो ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ एंड रदर दैन आई वुड लाइक टू डू सम क्राफ्ट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो उसमें फन फैक्टर जो मेरे टास्क में इंक्लूड करें एंड अपने अगल बगल के इन्वायरमेंट्स को, जैसे कि जहाँ पे आप रदर देन बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं अपने रूम्स वगैरह, इसको अच्छे से प्रॉपर मैनेज करके रखना अपने सेल्फ में एंड प्रॉपर डिकोर करके रखना, जहाँ आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टफुल होके अपने टाइम्स को स्पेंड कर सकें और काम करने में वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, हैप्पीनेस फील हो. तो दिस गाइज, आई होप दिस वीडियोज विल हेल्प टू ऑल ऑफ यू एंड मैंने आप लोगों से जो भी टिप्स शेयर किया, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आप सब इस सब सारी टिप्स को अपने लाइफ में फॉलो करें जो कि आपके लाइफ को टोटली चेंज करे एंड अपने लाइफ में एक प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर रूल रेगुलेशन फॉलो करें जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है एक प्रोडक्टिविटी लाइफ के लिए. सो लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ रिगार्डिंग माय यूट्यूब चैनल, मेरे दिमाग में बहुत सारी क्रिएटिविटी चल रही है, जैसे कि मैं सोच रही हूँ हर मंथ की एक टेक ओवर जो है, टेक ओवर ऑफ मार्च, टेक ओवर ऑफ मई, ऐसे करके मैं हर मंथ की एक वीडियोस क्रिएट करूँ जो पूरे ऑल ओवर मंथ में जो भी मेरे साथ प्रोडक्टिविटी हुई है, जो भी मेरे साथ एक्टिविटी हुई है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँ. तो आई होप आप लोग इस वीडियोज़ को और आने वाले सारी वीडियोज़ को एंड मेरे प्रीवियस वीडियोस को भी बहुत ज़्यादा प्यार करें एंड होपफुली गाइस हमारा 800 YouTube फैमिली जो है वो क्रॉस हो गया है बिकॉज ऑफ योर लव, योर सपोर्ट गाइस. सो कीप डूइंग योर सपोर्ट्स एंड लव ऑन मी एंड
बहुत सारी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए क्रिएट करते रहूँगी एंड आई होप आप लोगों को मेरा वीडियोस देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हो। तो अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक कमेंट एंड बहुत सारा प्यार, लॉट्स ऑफ प्यार। सो स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।